रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। गोंदिया जिले में बढ़ाए जाएंगे 5 धान खरीदी केंद्र। जिले में प्रतिवर्ष 57 केंद्रों के माध्यम से मार्केटिंग फेडरेशन विभाग समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करते थे। इन खरीदी केंद्रों में बढ़ोतरी करते हुए 62 खरीदी केंद्रों के मंजूरी का प्रस्ताव मार्केटिंग फेडरेशन ने जिलाधिकारी को भेजा है। मंजूरी मिलते ही तत्काल उन सभी 62 केंद्रों पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी। खरीफ 2019 की धान खरीदी के लिए मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा 36 खरीदी संस्थाओं के माध्यम से 62 खरीदी केंद्र निर्णय लिया गया है। किसानों के सामने समस्या नहीं मिल रहे हैं धान कटाई के लिए मजदूर। गोरेगांव दीपावली के ठीक समय पर कम दिनों में निकलने वाले धान कटाई के लिए मजदूरों का टोटा है। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के चलते अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग भी चुनाव में सक्रिय हो गए हैं, जिससे धान कटाई के लिए किसानों को बड़ी कसरत करनी पड़ रही है। इस तहसील में मजदूर वर्ग की कमी से फसलों की कटाई के अलावा गांव में चल रहे मनरेगा के विभिन्न कार्य, उसी तरह घरकुल के निर्माण कार्यों के साथ ही निजी कार्य भी प्रभावित हुए हैं। मऊ में सिलेंडर ब्लास्ट से गिरी 2 मंजिला इमारत, 7 लोगों की हुई मौत। मऊ के मोहम्मदाबाद काटेवली क्षेत्र के वलीपुर गांव में रसोई गैस के सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान उध्वस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।